स्थानीय मारोड़ा गांव में एक मारपीट का वीडियो वायरल की जानकारी मिलने पर समाचार संकलन करने गए मीडिया कर्मी के साथ मनबड़ दबंग ने अभद्रता की। सूचना मिलते ही पत्रकार आक्रोशित हो उठे। जोनल एडीजी ने खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही का निर्देश दिया है। स्थानीय पत्रकारों ने SPCT को भी फोन कर नाराजगी जताई। हुआ यूं कि उक्त गांव में दलित बस्ती में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो सुबह वायरल हुआ तो मीडिया कर्मी राकेश कुमार शर्मा बुधवार की अपराह्न 3 बजे घटना की जानकारी करने के लिए गांव पहुंचे तो समाचार संकलन करने के दौरान एक दबंग मनबड़ युवक ने पत्रकार के साथ अभद्रता करते हुए मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगा। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने उक्त मनबड़ को किनारे किया। पीड़ित पत्रकार राकेश शर्मा ने दूरभाष से SHO को जानकारी दी। उधर मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई तो पत्रकार आक्रोशित हो उठे। किसी ने ADG जोन वाराणसी को ट्वीट कर दिया जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। SP कार्यालय ने खेतास राय SHO राजेश कुमार यादव को कार्यवाही का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। यहां के पत्रकारों ने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार से फोन कर नाराजगी जताई। सर, क्या मामला था आज आपके साथ? मैं राकेश कुमार शर्मा, फास्ट न्यूज़ इंडिया, जिला संवाददाता जौनपुर। मुझको सूचना मिली कि आज सुबह थाना खेता थाना क्षेत्र अंतर्गत महाड़ौरा गांव में मारपीट हो गई जी। वही कवरेज करने के लिए मैं महाड़ौरा पहुंचा। वहां मैं वीडियो बना रहा था तभी एक व्यक्ति आया जिसका नाम अजीत कुमार है। वो मेरे साथ बदसलूकी करने लगा, गाली गलौज करने लगा। मैंने उसको बार बार मना किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जी। और मेरे मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी जी। इसी प्रकरण को लेकर मैं थाना खेतासराय में लिखित एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ। एप्लीकेशन देने के लिए जी। धन्यवाद।